Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, and in this video lecture, we'll be discussing about hijab verdict. Well, this entire issue of hijab and the related hijab verdict, it is important from us, especially from our mains perspective. We can relate this topic with GS Paper 1, where we discuss Indian society and the diversity of Indian society. We can also relate this topic with our polity subjects, in which fundamental rights, judiciary, all of that is concerned. So why are we discussing about hijab verdict in this video? Recently, Supreme Court has delivered a split verdict in the Karnataka's hijab ban case. We'll understand what is this split verdict. Basically, it means that we have two altogether different verdicts for the issue of hijab ban case. So we'll break this topic. First of all, we will understand what was this hijab controversy that erupted in Karnataka. And when we talk about this topic, there's this doctrine that we need to know, which is essential religious practice doctrine. What is that? We'll talk about it. And what have courts ruled so far about the issue of hijab? And we'll also talk about the verdict of Karnataka High Court, and then what has been the verdict of Supreme Court in this case. There are two kind of judgments here. One judgment is in the favor of hijab, and the other judgment is against the hijab. So therefore, by this Supreme Court has given the split verdict in case of hijab. And we'll also try to understand what happens next. If we have a split verdict, what happens after that? We'll discuss all about this in this video lecture. So you're watching this video as part of our daily editorial analysis series. Hum newspaper mein agar dekhen to bahut zyada articles, editorials is issue ko lekar aaye hain, to ise hum aaj hamare is video lecture mein cover karenge. To Karnataka mein hijab ban case erupt hota hai. तो पहले उसी का बैकग्राउंड समझते हैं, दैट व्हाट वाज दिस हिजाब कंट्रोवर्सी दैट इरप्टेड इन कर्नाटका. तो ये डिस्प्यूट की शुरुआत होती है कर्नाटका से, जब स्कूल यूनिफॉर्म्स को लेकर बेसिकली डिस्प्यूट शुरू होता है, जहाँ पे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी क्लासेस के अंदर हिजाब पहनकर जाएं. लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो हिजाब पहनकर क्लासेस में एंटर हो रहे थे अपने कॉलेज की, दे वर डिनाइड द एंट्री, दैट भाई ये आपकी जो कॉलेज की यूनिफॉर्म पॉलिसी है उसे वॉयलेट कर रहा है, तो आप यूनिफॉर्म पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कॉलेज में हिजाब पहनकर क्लास अटेंड नहीं कर सकते. कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के जिनमें कंपल्सरी यूनिफॉर्म ऑर्डर रखा गया है, एंड दे डिनाइड द एंट्री टू द मुस्लिम गर्ल्स दोज आर वेयरिंग हिजाब. तो यहाँ से ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होती है, एंड इसे कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया. गर्ल्स ने ये कहा, जो हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करना चाहती थी, कि हिजाब को बैन करना डिस्क्रिमिनेटरी है, और साथ ही में उनका राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन इसके अगेंस्ट है, उनके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है. इन देयर फेथ दे सेड दैट वो जिस फेथ को फॉलो करते हैं उस फेथ में उनको अपना हेड कवर करना होता है, एंड दिस इज देयर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. तो जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने फर्दर इवन ये भी कहा कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं दे आर लीस्ट एजुकेटेड एंड दे आर लीस्ट रिप्रेजेंटेड इन क्लासरूम्स. अगर आप उनको इस तरह, इफ़ यू शट देम आउट ऑफ इन दिस फैशन, इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द एजुकेशनल करियर. इससे मुस्लिम गर्ल्स की एजुकेशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काफ़ी डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा. तो आई होप एक बेसिक बात, कुछ ही महीनों पहले ये इवेंट्स हुए थे, आपको याद आ गया होगा. यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंगली आप हिजाब पहनकर क्लास नहीं लगा सकती, ये कहा गया. मुस्लिम विमेंस कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंची, जिन्होंने हिजाब पहनकर क्लास लगानी थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे राइट फ्रीडम के अगेंस्ट है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अगेंस्ट है, और अपना हेड कवर करना. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी चीज़ आती है, दैट कवरिंग द हेड इज़ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, कि इसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता. तो इसीलिए यहाँ से हमारे लिए जानना ज़रूरी है, दैट व्हाट वाज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन.
तो ये डॉक्ट्राइन है हमारे पास एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट में इन्वेंट की गई थी एंड दिस वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द शिरूर मठ केस इन 1954। इसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा पॉलिटी का बेसिस यहाँ पे देखना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। सो हियर वी नीड टू नो अबाउट आर्टिकल 25 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाउएवर दिस राइट इज एन एब्सोल्यूट। इसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और बाकी फंडामेंटल राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, इट इज़ सब्जेक्ट टू मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। एंड बहुत सारे सालों से हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस केसेस जाते हैं तो कोर्ट्स ने ये चीज़ डॉक्ट्राइन निकाली है विच इज़ ओनली टू प्रोटेक्ट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसमें सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं आती। टू प्रोटेक्ट द राइट द कोर्ट्स प्रोटेक्ट ओनली द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि एसेंशियल है। एज द नेम सजेस्ट सच प्रैक्टिसेस विच आर वाइटल और विच आर फंडामेंटल टू अ रिलीजन। बेसिकली इफ दोज प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉलोड द रिलीजन विल यू नो इटसेल्फ विल चेंज। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को कहा जाता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो अगर आप किसी को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डिनाई करते हैं ओनली इन दैट केस इट इज़ कंसिडर्ड एज द वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 25 इफ़ यू आर डिनाइंग द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अल्टीमेटली आर्टिकल 25 टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एज वेल एज द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो यहाँ पर समझना होगा कि सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को यहाँ पे हम यू नो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट नहीं करता, ओनली जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको अगर फॉलो नहीं किया गया तो जो रिलीजन है वो इटसेल्फ चेंज हो सकता है, दोज प्रैक्टिसेस विच आर वेरी फंडामेंटल फॉर दैट पर्टिकुलर रिलीजन। सो इफ देर इज अ प्रैक्टिस ऑफ अ रिलीजन विच इज यू नो नॉट कंसिडर्ड एज एसेंशियल, देन इन दैट केस उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर स्टेट जो है वो रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकती है। तो ये बात यहाँ पे आती है एंड इसीलिए कोर्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस भी फॉलो की हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमारे पास आए हैं ओवर द ईयर्स। इन सम केसेस दे रिलाइड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट कि रिलीजियस टेक्स्ट में क्या लिखा है उसके हिसाब से पता करें कि क्या एसेंशियल है क्या एसेंशियल नहीं है, या फिर कुछ केसेस में फॉलोअर्स का एम्पेरिकल बिहेवियर क्या रहा है इस प्रैक्टिस को लेकर उसके तौर पे देखा जाता है। एंड इन सम केसेस द प्रैक्टिस इन क्वेश्चन इधर इट एग्जिस्टेड एट द टाइम व्हेन रिलीजन वाज ओरिजिनेटेड और नॉट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू कुछ बिहेवियर के थ्रू कुछ कि भाई क्या जब रिलीजन ओरिजिनेट हुआ था तो ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी, इसके हिसाब से कोर्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक यू नो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की एक कह सकते हैं कि आप यू नो नॉलेज गैदर की है। इसके बाद हमारे पास आता है दरगाह कमेटी अजमेर सैयद हुसैन अली। इन दिस The court stated that there is a clear difference that must be made between religious practices which are essential, which are integral to a religion, and some religious practices which are merely superstitious. हमें clearly define करना होगा कि कौन सी essential religious practices हैं which are very integral to the religion and what are just the superstitions. इसीलिए again article जो आपका fundamental right है the right to freedom जो कि आपको आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत मिलता है दैट इज ओनली लिमिटेड टू दोज रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच आर एसेंशियल एंड इंटेग्रल टू द रिलीजन। सो देयरफॉर वी हैव द एसेंशियल्स प्रैक्टिसेस टेस्ट, इट इज नॉट विदाउट एन ऑल्टरनेटिव। अब इसी में एक कॉन्करिंग ओपिनियन आता है जिस केस में कहा गया दैट the ban on the entry of women in Sabarimala temple
जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ही प्रपोज दैट वन सच डॉक्ट्राइन विच इज अ प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन. तो एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट ये एक ऑल्टरनेटिव के साथ नहीं आ रहा, और इसी को फॉलो करते हुए हमारे पास एक कॉन्करिंग ओपिनियन आ रहा है. कॉन्करिंग ओपिनियन एक सर्टन लीगल सिस्टम में एक ऐसे रिटन ओपिनियन होता है जिसमें एक से ज़्यादा जजेस एग्री करते हैं विद द डिसीजन मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट, बट दे स्टेट डिफरेंट रीजंस फॉर देयर बेसिस. तो जब सबरीमाला टेम्पल में वुमेन एंट्री का लेकर केस आता है तो उस टाइम पे भी प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन आता है. क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन? इट बेसिकली पोस्टुलेट्स दैट व्हेन अ रिलीजियस प्रैक्टिस कॉज द एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल इन सच अ मैनर दैट इट इम्पेयर द डिग्निटी और इट हैम्पर्स देयर एक्सेस टू बेसिक गुड्स, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन मस्ट गिव देम ओवर आर्चिंग वैल्यूज ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन. कि कोई ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर दिया गया, उनकी डिग्निटी के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है, वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन यू नो मस्ट गिव वे, कि वो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ख़त्म करके एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन जो कि सबरीमाला टेम्पल केस में फॉलो किया गया. ठीक है, अब हिजाब केस जब हम देखते हैं तो बहुत सारी अलग अलग रूलिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं. जैसे कि 2015 में केरला हाई कोर्ट में पटिशन्स आती हैं विच वर चैलेंजिंग द ड्रेस कोड फॉर ऑल इंडिया यू नो पीएमटी टेस्ट, जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट था. तो उसमें एक ड्रेस कोड दिया गया था कि लाइट कलर क्लोथ पहनने हैं विद हाफ स्लीव्स एंड बिग बटन्स नहीं होने चाहिए, कोई ब्रॉच नहीं लगा होना चाहिए, कोई ड्रेस में बैच नहीं होना चाहिए, विद सलवार और विद ट्राउज़र एंड स्लीपर नॉट शूज़. तो इस तरीके से एक पूरा ड्रेस कोड आया था. इसे केरला हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की जाती है और एडमिटिंग द आर्ग्यूमेंट कि सीबीएसई का जो रूल था दैट वाज ओनली टू इंश्योर कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई चीटिंग ना कर पाएँ, कोई अनफेयर मेथड ना यूज़ कर पाएँ, अपने कपड़ों में कुछ छुपा कर कोई ऐसी चीज़ ना ले जाएँ जिससे कि उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिले. तो केरला हाई कोर्ट ने सीबीएसई को डायरेक्ट किया कि भाई आप जो ड्रेस कोड दे रहे हैं इसमें आपको एडिशनल मेजर्स लेकर आने होंगे. यू हैव टू चेक स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी रिलीजियस कस्टम फॉलो करना चाहते हैं, दे वांट टू वियर ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस कस्टम, उसमें आप अपने चेकिंग को बढ़ाइए विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू ड्रेस कोड. तो इसमें एक इंक्लूजन लेकर आया गया कि भाई आपका जो ड्रेस कोड है अगर कोई रिलीजियस कस्टम पहन रहा है, कोई टर्बन पहन रहा है या फिर कोई अपना सिर ढक रहा है जो कि ड्रेस कोड में नहीं था, तो आप उनको एंट्री देने से मना नहीं कर सकते, आप अपने एडिशनल मेजर्स लगा लीजिए फॉर चेकिंग ऑफ सच स्टूडेंट्स. फिर ऐसे एक और केस आता है अमना बिंत बशीर वर्सेज सीबीएसई, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने इस इशू को और क्लोजली देखा और कोर्ट ने ये कहा कि जो हिजाब पहनना की जो प्रैक्टिस है इट इज़ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. तो देयरफॉर जो सीबीएसई का ड्रेस कोड था, जो सीबीएसई का रूल था, ये उसे वॉयलेट नहीं करती है. तो अमना बिश्त बशीर केस में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना गया हिजाब को पहनना, एंड कोर्ट वंस अगेन सेड कि भाई अगर कोई अपने रिलीजियस कस्टम के हिसाब से ड्रेसअप होकर आ रहा है तो आप अपना एडिशनल मेजर्स लीजिए, सेफगार्ड्स लेकर आइए, चेकिंग कीजिए. And then when there was the issue of uniform which was prescribed by a school, एक अलग केस आता है which was Fatima Tasneem versus State of Kerala. ये uniform, school uniform को लेकर था. इसमें Kerala High Court ने कहा कि जो collective right है institution का, that will be given primacy over the individual right of the petitioner. जो institution का collective right है उसे यहाँ पर हम primacy देंगे than the individual's right. तो यहाँ पे अलग जजमेंट आ गई व्हेन इट केम टू द हिजाब इशू. तो ये तो केरला की कुछ एग्जांपल्स थी. अब जो करंट जिस कंट्रोवर्सी की वजह से केरला कर्नाटका में जो इशू आता है जिसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट देता है अबाउट हिजाब बैन,
कर्नाटका ने कहा कि हिजाब पहनना इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम. हिजाब को पहनना एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है. देयरफॉर अगर कहीं पे हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है तो ये पिटिशनर की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इम्प्रिंज नहीं करता. और कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होती, यूनिफॉर्म इज सेम फॉर एवरीवन एंड पर्सी डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी यूनिफॉर्म विच ओनली प्रोवाइड्स फॉर द प्रिस्क्रिप्शन इन स्ट्रक्चर्ड वे. कोर्ट सेड students cannot object to uniform prescribed by the educational institution. Prescription of uniform for students in institution is under reasonable restriction. जब हमने कहा ना कि जब आपका freedom of religion है इसके ऊपर कुछ restrictions लगती हैं, तो uniform लगना, uniform prescribed किया जाना by an institution, this is a reasonable restriction जो लग रही है. And कोर्ट बेसिकली साइड स्टेप द आर्ग्यूमेंट विच वॉज मेड बाय द पिटिशनर कि भाई उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, एंड दे वर डिसमिसिंग देम एज डेरिवेटिव राइट. सो कोर्ट हेल्ड दैट देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14 एंड 15, क्योंकि जब ड्रेस कोड की बात आती है इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज, जेंडर और एनीथिंग. सो अगैन जो केरला के लास्ट केस में आया था यहाँ पे भी वही बात आई कि जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन है उसे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे ओवर द इंडिविजुअल चॉइस. और कर्नाटका की जजमेंट ने कहा कि देर इज नो राइट, सब्सटेंटिव राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी दैट कैन बी क्लेम्ड वेन विद इन द कन्फाइंस ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर कोई भी राइट टू यू नो फ्री एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी यहाँ पे क्लेम नहीं होता. Because schools are qualified spaces. The very nature of it repels the assertion of individual right to the detriment of their general discipline and decorum. And therefore, the court rejected the argument in the favor of reasonable accommodation. जो कि प्लूरल सोसाइटी के अंदर क्लासरूम एक सोशल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है without undermining the sense of equality among the students. And the bench also made it clear that this order is confined to the institutions where CDC has prescribed the student dress code or uniform. ये कर्नाटका की जजमेंट आती है. इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है एंड इट वॉज एडजस्ट बाय टू जज बेंच. एंड जिसमें हमारे पास दो तरह के वर्डिक्ट आते हैं. जो टू जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का था उसने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है इस केस में. द स्प्लिट वर्डिक्ट इज पास्ड व्हेन द बेंच कैन नॉट डिसाइड वन वे और द अदर इन द केस. या तो यूनानिमस डिसीजन नहीं मिला, मेजॉरिटी वर्डिक्ट नहीं आई. एंड स्प्लिट वर्डिक्ट कैन ओनली हैपन जब इवन नंबर ऑफ जजेस हों, जब इवन जजेस होते हैं कि आधे एक तरफ आधे एक तरफ. दिस इज वाई यूजली बेंचेज आर दे आर इन ऑड नंबर्स 3, 5, 7 फॉर इम्पोर्टेंट केसेस. और ये जो टू जज बेंच होता है इट इज नोन एज डिवीजन बेंच. दीज आर नॉट अनकॉमन, यूजुअली टू जज बेंच भी बना दिया जाता है. अब ऐसा नहीं है कि ये यू नो अनप्रेसिडेंटेड था कि स्प्लिट वर्डिक्ट आ जाएंगी. ऐसा पहले भी हो चुका है. 2022 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने टू जज बेंच बना, उन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दी व्हेन यू नो द पिटिशन वाज चैलेंजिंग द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड टू द मैरिटल रेप इन द इंडियन पीनल कोड. उस टाइम पे भी स्प्लिट वर्डिक्ट आया. देन जस्टिस राजीव शकदेर के टाइम पे भी एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375 विच डील्स विद रेप ऑफ IPC इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और उस टाइम पे जस्टिस सी हरिशंकर सेड दिस प्रोविजन इज वैलिड. तो तब भी स्प्लिट वर्डिक्ट आ चुका है. तो ऐसा नहीं है, जब भी यूजुअली मतलब अगर टू बेंच आपके पास जज बना है, बेंच रखा गया है, तो ऐसे केस में इट्स वेरी कॉमन कि एक का ओपिनियन अलग है, दूसरे की ओपिनियन अलग है. तो ऐसे केस में स्प्लिट वर्डिक्ट आ जाते हैं. अब क्या वर्डिक्ट आया है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट वॉज इन द फेवर ऑफ हिजाब. सो दिस इज अ जजमेंट गिवन बाय जस्टिस सुधांशु धुलिया. सो ही
basically sought to interpret this debate from the point of view of promoting diversity and providing educational opportunities to women. उन्होंने इस व्यू पॉइंट से देखा कि इंडिया में डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुमेन को प्रोवाइड की जाए, बढ़ाया जाए. सो इन दैट ही स्टेटेड दैट आवर एजुकेशनल स्पेसेस आर वेयर चिल्ड्रन जस्ट वेकिंग अप टू द रिच डाइवर्सिटी ऑफ दिस नेचर. सो दीज नीड्स टू बी काउंसल्ड, दीज नीड्स टू बी गाइडेड सो दैट दे इवन फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू विच इज ऑफ टॉलरेंस एंड अकोमोडेशन. Especially towards those who speak different language, those who eat different food, even wear different clothes or apparels. And this is the time that we should understand, we should must realize that diversity is our strength. So he said that under our constitutional scheme, wearing hijab should be simply a matter of choice. He said that he agreed that school is a public place. But one must also note that when you are drawing a parallel between a school and a jail or a military camp, that is not correct. He agreed to the argument that regarding discipline in the school, he said discipline is not at all at the cost of freedom, but also not at the cost of dignity. And asking a pre-university school girl to take her hijab, you know, off at her school gate is basically invasion of her privacy and dignity. And he said it is clearly violative of fundamental right given to her under Article 19 and 21 of our Constitution. The right to her dignity and her privacy that she carries in person, even inside her school gate or even when she is in her classroom, it is still her fundamental right, not a derivative right. High Court ne kya kaha tha? कि भाई ये जो आप कह रहे हो राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, ये आपका डेरिवेटिव राइट है, ये स्कूल गेट के अंदर, क्लासरूम के अंदर अप्लाई नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे कहा गया कि नहीं, दिस विल बी अप्लाइड इवन इफ शी इज़ इन द क्लास और इनसाइड द स्कूल गेट. दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ डेरिवेटिव राइट. ही आस्क्ड टू व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू स्कूल्स, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड और इन्फोर्समेंट ऑफ अ ड्रेस कोड. And it is much more difficult for the girl child to get education as compared to the male child, as compared to her brother. So therefore, when this issue is being seen from the perspective that what challenges already are, you know, faced by the girl child in reaching and getting her education. So therefore, Justice Dhulia, he referred to submission that the fallout of hijab ban has been that some students have not been able to appear in their board examinations. Many were seeking transfer to the other schools, mostly like madrasas, where they may not get same standard of education. He said wearing hijab may or may not be the matter of essential religious practice, but it is a matter of conscience, it is a matter of belief and a matter of expression. So if a girl wants to wear hijab, even inside her classroom, she cannot be stopped, and it may be only way her, you know, conservative families allowing her to go to school and get education. So in that kind of situation, her hijab is the ticket for her education. So following this ideology, the judgment was given in the favor of hijab. But then there was Supreme Court judgment against hijab, which was given by Justice Hemant Gupta. He upheld the Karnataka High Court's ruling, which is about banning the wearing of hijab in classroom. He rejected the argument that when you're denying the students the right to wear a headscarf, that denies them the right to attend class. He said, hijab ban does not mean denial of right to education. If student by choice does not want to attend the school. He wrote that state has not denied admission of students from attending classes. So if they choose to be in the due uniform, which they have been prescribed, so it is a voluntary act of such students who did not enter inside the schools following their dress code. So student cannot claim the right to wear a headscarf to a secular school as a matter of right. And Justice Gupta even held that the argument that wearing headscarf provides dignity to the students is just not tenable.
He stated that students are at the liberty to carry their religious symptoms outside the school, but in the pre-university college, students should look alike. They should feel alike, they should think alike, they should study in such an atmosphere which is cohesive, which is cordial. And that is the objective behind a uniform, so that it brings about the uniformity in appearance. And it was noted that when somebody is wearing uniforms and prohibiting hijab, this is basically for harmonious development of the mental and physical faculties of the student. And this will help to cultivate a secular outlook. And Justice Gupta even said that Article 19 does not extend to wearing headscarf. Once the uniform is prescribed, all students are bound to follow it. The uniform is to assimilate the students without any discrimination. Sabne same kapde pehne hain, same rang ke kapde pehne hain. You cannot differentiate who's rich, who's poor, you know, irrespective of the caste, creed, faith. So the government's intention of maintaining uniformity is reasonable. It's a regulation of the right. जो आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मिलता है, ये उसके ऊपर एक रीजनेबल रेगुलेशन है. एंड ही ऑल्सो सेड दैट नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, इट कैन बी कर्टेल्ड बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर. सो वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, देर आर रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड. सच राइट्स, दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर. हमने कहा था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ. सो दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड आर्टिकल 14, विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. ही सेड दैट इफ यू विल परमिट द स्टूडेंट्स टू कैरी देयर रिलीजियस सिंबल्स विद देम टू द क्लासरूम, द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ फ्रेटर्निटी विल बी डिफीटेड. And turning down the arguments equating wearing hijab to wearing rudraksha or cross, the just said government order necessarily excludes all religious symbols which are visible to the naked eye. It also argued that rudraksha or the cross which are worn by the students under his or her shirt cannot be said to be objectionable because that is not visible to the naked eye. He also found it unnecessary to send the matter to 5-judge constitutional bench as it does not raise any substantial question of law. So here we have split verdict. So what happens next? Whenever there is a split verdict, the case is heard by a larger bench. The larger bench to which split verdict goes can be a 3-judge bench of the High Court or an appeal that can be preferred before Supreme Court only. So in the case of hijab verdict, the Chief Justice of India, who is a master of the roster, will constitute a new large bench to hear the matter. So it is important for us. See, especially because when you read about hijab verdict, you get to know about essential religious doctrine. So you should be able to write about it. Rather, practice a means question: what is essential religious practice doctrine and what is the utility of it? So very important topic, Article 25, essential religious practice, freedom of religion, hijab, split verdict, all of this is important here. So that is all for this video. Aaj ki is video ke liye itna hi. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.